गाइस कैसे हो आप सब। तो आज वैलेंटाइन डे है, आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आज मैंने स्वाति से थोड़ा झूठ बोला है और झूठ बोल के मैं जा रहा हूँ आज सोनम मैडम से मिलने। और स्वाति को बोला है मैंने, आज मेरे एक जगह मीटिंग है, किसी मैनेजर से बात करनी है इंटरव्यू से रिलेटेड, और कल इंटरव्यू देने जाना है जॉब के लिए। तो उसने बोला कि आज मत जाओ, कल चले जाना। लेकिन मैंने उसको बहुत मनाया, फिर भी रो रही थी कि आज ही क्यों जाना है, और आज 14 फरवरी है, तो इसलिए आज मैं सोनम मैडम के पास जा रहा हूँ मिलने। तो मिलते हैं फिर आगे चलते, चलो। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन पे, बोटेनिकल गार्डन, और यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे हम। कहाँ जाना है? कैनॉट प्लेस, तो राजीव चौक जाएंगे हम। मेट्रो गई, बोटेनिकल गार्डन। आज स्वाति बहुत रो रही थी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन क्या करें। आज पूरे मेरे ख्याल से एक डेढ़ साल बाद मैं सोनम मैम से मिलने जा रहा हूँ, तो इसलिए अब मीटिंग थी तो मैंने कहा अब ऐसे मना नहीं कर सकता, नहीं तो सोनम मैम को भी बुरा लग जाएगा कि डेढ़ साल बाद मिलने का प्रोग्राम बना है और फिर कैंसिल हो जाए, तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। तो स्वाति को थोड़ा रुला देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मना भी हम ही लेंगे, अभी पूरा दिन पड़ा है वैलेंटाइन डे का। तो गाइस हम लोग आ गए हैं सेंट्रल पार्क नहीं मतलब राजीव चौक पे, और यहाँ बहुत भीड़ है, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, बहुत भीड़, दबा के भीड़ है। अब पता नहीं कहाँ पे आएंगे सोनम मैडम जी, कहाँ पर आने वाली है, कैब से आ रही है, वो भी बात हुई थी मेरी। आज मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है यार, आज मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं भी सीपी घूमता उसके साथ, लेकिन यार देखो हर बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, मतलब क्या बोलूँ मैं, चोमू लड़का होता ना चोमू, ऐसा भी मतलब बढ़िया बढ़िया बंदी लेके घूम रहा है, और हम यहाँ अकेले बैठे पार्किंग में, जिंदगी झंड है। और हमें मिले हैं सीपी में गोल्डन भाई, कैसे सर? गाइस आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, 2:30 बज गया, 2 बजे का प्रोग्राम था, देख लो 2:30, और आधे घंटे बाद मैडम ने कॉल करके बोला कि जनपद पे आ जा पंजाब ग्रिल में। सोनम मैडम ने बुलाया है मुझे पंजाब ग्रिल, इसका मतलब आज पार्टी देने वाली है वो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने लकीरों से तेरी मोहब्बत से, सांसें मिली हैं सदा रहना दे। शादी इंतजाम कर रही, कुछ आज सरप्राइज देने का। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको तो गाइस मैं सोनम मैडम से मिलके आ चुका हूँ, अब घर जा रहा हूँ, फिर उसके बाद स्वाति के साथ जाते हैं वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने। तो चलो चलते हैं, मेट्रो में जा रहा हूँ। मैंने उसे बोला था कि 5 बजे तक मैं घर पे आ जाऊँगा, बट अभी 5 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ, बहुत चिल्लाने वाली है मेरे ऊपर। अब 6:30 बजे उसके पास पहुँचूँगा, देखते क्या होता। तो गाइज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, 7 बज चुके हैं, और मैंने स्वाति को बोला था कि 5 बजे तक आ जाऊंगा, बट नहीं आ पाया, और स्वाति बहुत गुस्से में है, लेकिन गुस्से में होने के बाद भी वो मेरे से अच्छे से बात कर रही है, इसका मतलब वो मेरे को कोई सरप्राइज़ देना चाहती है। तो वीडियो बनाता हूँ, मैं देखता हूँ कि स्वाति ने कुछ सरप्राइज़ दिया है नहीं वैलेंटाइन डे का। ओ मेरा पहला प्यार तुसी तू जानदा, सानू कितियां होग किन्ने साल, मैनू दूजी वार प्यार होया सोनिया, दूजी वार भी होया है तेरे नाल, मैनू दूजी वार प्यार होया सोनिया, दूजी वार भी होया है तेरे नाल, हाय वे दूजी वार भी होया है तेरे नाल, हाय वे दूजी वार भी होया है तेरे नाल। लव यू।
मैं किसी और वल वेखा दिल करना हाथ मेरा और कोई हाथ पड़ना किसी और वल वेखा दिल करना हाथ मेरा और कोई हाथ पड़ना गल्ला मेरिया ही चक गाने लिख दे वालों के केंद्र जादी लिख दे कमाल मैंने दूजी बार प्यार होया सोनिया दूजी बार भी होए तेरे नाल मैंने दूजी बार प्यार होया सोनिया दूजी बार भी होए तेरे नाल देखिए गाइस स्वाति ने अकेले ही सजाया है केक ओहो जयपुर वाला झालरी भी लाइयो गिफ्ट भी लाइयो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसीलिए स्वाति मेरे साथ नहीं गई थी ये सरप्राइज देने के लिए हैप्पी वैलेंटाइन डे स्वाति पीछे क्या है मत दो फिर जा रहा हूँ अरे ब्लैक शर्ट जारा की इतनी महंगी क्यों लाई यार पागल हो गया जारा की इतनी महंगी क्यों लाई पूरे पैसों की बैंड बजा दी होगी ना मुझे पता है तो प्यार नहीं देखा नहीं प्यार भी देखा ओ माय गॉड पहले बता देते तो मैं जाते नहीं सोनम मैडम के पास हैप्पी वैलेंटाइन डे लव यू अब सबको बोल दो हैप्पी वैलेंटाइन डे सबको आप सभी को लव यू ऑल हैप्पी वैलेंटाइन डे गाइस स्वाति ने मेरे को ये ब्लैक शर्ट दी है और बहुत ही प्यारी लग रही है मेरे ऊपर आप कमेंट करके बताओ कैसे लग रही है कितनी गई मेरा डायलॉग मार दिया पैसे नहीं थैंक यू लव यू तो गाइस स्वाति ने मेरे को इतना अच्छा सरप्राइज दिया है अब मेरा भी फर्ज बनता है स्वाति को कुछ सरप्राइज देना वैसे भी सुबह से बहुत रो रही थी स्वाति स्वाति लोली थी बच्चा अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने चल ग्रैंड वैनिश मॉल में आ चुके हैं कैसा लग रहा है एक नंबर वैनिश मॉल ग्रेटर नोएडा स्वाति मास्क बनाओ कैसा लग रहा है हेलो गाइस ये देखिए क्या बढ़िया सा बना रखा है वैनिश मॉल कौन कौन आया है यहाँ पे कमेंट करके बताओ अभी यहाँ पे नाव आएगी नाव पे लोग बैठेंगे थोड़ा घूम के आएंगे और 400 रुपये भर देंगे चलोगी स्वाति है स्वाति कह रही है 400 रुपये में यहाँ 2 मिनट घूमने से बढ़िया 400 रुपये में तो हम महीने भर खाना खा लेंगे स्वाति खाओ स्वाति को सिर्फ फ्रेंच फ्राइज पसंद है तो स्वाति ने ये लिया है और मैंने लिया है वेज बर्गर
लेकर आ गए ऑर्डर, मुझे बहुत टेस्ट से भूख लग रही है, मैं सारा खा जाऊंगी, इसको बिल्कुल भी नहीं दूंगी। कैसा लग रहा है स्वाति? अब अच्छा लग रहा है वैलेंटाइन डे? अच्छा क्या, मेरे से कह रही थी मेरा पूरा दिन बेकार कर दिया। हम आदमी दो जगह नौकरी करता है तो दोनों जगह ड्यूटी करनी पड़ेगी ना। ये वो लड़की है जो बाहर जाकर भी दाल चावल खाती है, तो क्या फायदा बाहर जाने का, पैसा और बर्बाद कराती। यही दाल चावल 20 रुपए में घर में बढ़िया बन जाए जो तुमने यहाँ 400 रुपए पकवाए हैं। अंकुश खीर खा लो ना, ये सब फ्रिज करो। अरे खत्म हो गई, चलो मैं इसका तो छोड़ देता हूँ खाने। अरे नहीं खा लो, पैसे गए पूरे। नहीं अरे चम्मच से खाओ। ओहो यार बाहर बैठो, हर कोई देख रहा है। वेरी गुड गाइस, हमने तो बहुत एंजॉय किया अपना वैलेंटाइन डे, मैंने तो बहुत किया। तो आप लोगों ने कैसे किया जल्दी से कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर कीजिए, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना प्लीज। बहुत खर्चा हो जाता है एक वीडियो बनाने में और आप सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो ना प्लीज।